नमस्कार सभी किसान भाइयों को। तो आज हम दो ट्रैक्टर का रिव्यू करेंगे। रिव्यू क्या, दो ट्रैक्टर में कंपेरिजन है, दोनों महिंद्रा के हैं, दोनों 585 ही है। ये DI पावर प्लस में है, एक DI XP प्लस है, ठीक है ना। तो दोनों ट्रैक्टर के बारे में थोड़ी सी छोटी छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जल्दी मैं क्विक वीडियो बनाऊँगा, तो आप थोड़ा देख लेना। इसमें 7/16 का सीएट के टायर मिल जाते हैं और इसका जो एक्सल मिलता है वो थोड़ा घुमावदार है, जो नॉन एडजस्टेबल है। डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग रोड मिल जाए, जो इस साइड भी रोड चलती है और दूसरी साइड भी रोड चलती है, ठीक है ना। और आगे की जो सेप मिल जाती है उस ट्रैक्टर की, इस तरह की मिलती है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और आगे कुछ वेट मिलता है, लगभग 60-70 किलो का, जो कि ट्रैक्टर को बैलेंस रखता है। और 18 एम्पियर की बैटरी मिल जाती है, कंपनी फिटेड, जो देख सकते हो। एमरोन की बैटरी मिलती है, जो कि महिंद्रा ने अच्छी कंपनी की बैटरी दी है, कोई ऐसे नहीं है एमको वगैरह की, सभी कंपनी की होती है, लेकिन इसका नाम कुछ ऊपर है। जैसे कि एक्साइड की आती है, इसी तरह की बैटरी होती है एमरोन की भी। और इसमें CRPTO डुअल क्लिच ट्रैक्टर है ये, और उस ट्रैक्टर के अंदर एक्सोलेटर वाल लगा दिए, उसका लीवर यहाँ पर दे दिया इन्होंने, ठीक है ना। ये एक्सोलेटर वाल का लीवर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे से कैसा है, ठीक है ना। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो लगभग 2930 CC के आसपास का इंजन है इसका, जो कि 4-सिलेंडर ट्रैक्टर है। 50 HP का ट्रैक्टर होता है, ओलंपिक डिस्क ब्रेक आते हैं इस ट्रैक्टर के अंदर। पैर के एक्सीलेटर टायर मिल जाते हैं, इसमें 14-28 टायर मिल जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और इसके अंदर जो 3-स्टेज ऑयल्ड बाथ एयर क्लीनर मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर भी, मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ एक बार। इधर इसमें 2.5 kW की सेल्फ स्टार्ट मोटर मिल जाती है, और बॉस का इनलाइन पंप मिलता है, फोर सिलेंडर के लिए, 4 लाइन का, ठीक है ना। डुअल एयर फिल्टर मिल जाता है इस ट्रैक्टर के अंदर, सॉरी ऑयल फिल्टर है, इंजन ऑयल फिल्टर जो होता है डीजल। और इसमें टूल बॉक्स मिल जाता है, जो कि लोहे का है, फाइबर का नहीं है, ज़्यादातर कंपनी फाइबर का देती है। फाइबर का देने का एक बेनिफिट ये होता है, इसमें आवाज़ कम होती है। इसमें अगर आप भर के रखोगे, इसमें पीछे से ऊपर से कुछ चीज़ डाल के लॉक कर दोगे तो आवाज़ नहीं करेगा, लेकिन ये मजबूत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। डुअल एक्टिंग डुअल क्लिच ट्रैक्टर आता है, 2500 RPM दिखा रखे इंजन में, जबकि है इसके अंदर 2000 RPM, ठीक है ना। सभी कंपनी थोड़ा फालतू दिखाती है, इसमें कोई महिंद्रा ने कोई गलती चीज़ नहीं दिखा रखी, ठीक है ना। जैसे बाइक में आती है 140 स्पीड होती है, लेकिन भागती 180 है। फर्स्ट गियर फॉरवर्ड है, एक गियर रिवर्स, यानी कि 10 गियर में आता है ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर में 10 गियर होते हैं, 2 रिवर्स, 8 फॉरवर्ड, ठीक है ना, हाई लो के साथ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो फोन चार्जिंग करने के लिए महिंद्रा बॉक्स भी मिल जाता है, ब्लैक कलर का। और जिसकी सीट है वो एडजस्टेबल है, और इतनी तगड़ी एडजस्टेबल सीट मिलती है कि आप इसमें 6.5 फुट का बंदा भी ट्रैक्टर चला सकता है। देख सकते हो कितना गैप आ गया इसमें, ठीक है ना। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अपोलो के टायर में पीछे वाले और आगे के टायर में सीट किया है, ठीक है ना। अपोलो के मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो 14-28 का टायर है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो खूब साफ साफ लिखा हुआ है। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, 17 क्विंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी है इसकी, और दो इसमें एक्सोलेटर वाल मिल जाते हैं कंपनी फिटेड। इसमें जो वाल लगा रखा है, अगर कोई फालतू ऑयल हो वगैरह होता है, वो वापस चला जाता है इसके थ्रू, ठीक है ना। आप इससे काम करिए, कोई भी फालतू ऑयल होगा वो इसके थ्रू वापस चला जाता है इसका, ठीक है ना। इसमें आपको सारी सिस्टम पीछे का लगवाना पड़ेगा, इसमें एक्स इंच नहीं आता लगा कंपनी फिटेड। इसमें एक पीछे लाइट मिल जाती है, रिफ्लेक्टिंग लाइट ये रही, और इसमें एक हैलोजन लाइट मिल जाती है, जो कि ट्रॉली वॉल जोड़ने काम आती है। और इसकी जो PTO पावर आती है, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी मिल जाती है। इधर आप देख सकते हो किलो वाट में भी है और HP में भी है, 45 HP की आती है। ठीक है ना, तो जैसा आपने देखी, तो अब हम दूसरे ट्रैक्टर का दिखाना चाहते हैं, जो XP प्लस है, और उसका डिटेल में वीडियो भी डाला है मैंने एक दिन पहले, वो भी आप जाकर के देख सकते हो। और मैं आपको हाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एजेंसी कोई भी हो, महिंद्रा, स्वराज, जॉन डियर वगैरह, कोई भी एजेंसी पर मुझे प्राइस ही नहीं बताते, इसलिए थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ अपने चैनल पर हम नई कार का रिव्यू, पुरानी कार कहाँ पर तुम्हें अच्छी मिल सकती है उसके बारे में जानकारी, प्लस बाइक का रिव्यू मैं आपको देना चालू कर दूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप इस तरह इस चैनल पर वीडियो देखना चाहते हो या नहीं, ठीक है। और एक जानकारी और देना चाहता हूँ मैं, कि मैं अपने चैनल पर अब शॉर्ट आउट देने लग गया हूँ, शॉर्ट आउट जो मेरे चैनल पर सबसे अच्छे कमेंट करते हैं, तो दो बंदों का नाम है, ठीक है ना, दीपक नारायण नाम है एक लड़के का, एक शुभम नाम का लड़का है, जिन्होंने हमारे चैनल पर सबसे अच्छा कमेंट किया, उनके लिए दिल से धन्यवाद। प्लीज़ ऐसे ही कमेंट कर देना ना, और अपनी अगर फैमिली का आप हिस्सा हो, यानी कि आपने सब्सक्राइब किया हुआ चैनल, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल पर क्लिक करके, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आइए दूसरे ट्रैक्टर की वीडियो पर स्विच करते हैं हम, आप XP प्लस के बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। और हाँ, इसकी जो मेन पॉइंट है उसमें एक डिफरेंट है,
ये भूमि पुत्र सीरीज में, इसमें एक साल की वारंटी आती है ट्रैक्टर के अंदर। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है, ठीक है ना। मिडिल में गियर इसके मिलते हैं और उस ट्रैक्टर के मिलते हैं। आइए दूसरे ट्रैक्टर देखते हैं। तो आइए इस ट्रैक्टर के बारे में जान लेते हैं इसमें क्या क्या अंतर मिलता है। सबसे पहला अंतर तो देख सकते हो, इसमें एमरोन की बैटरी थी, इसमें एक्साइड की मिलती है। एक्साइड एमरोन से एक कदम थोड़ा सा बेटर है, ठीक है ना। इस ट्रैक्टर के अंदर जो गियर बॉक्स है दोनों ट्रैक्टर के अंदर सेम मिलता है, CPM का, ठीक है ना। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो टॉर्क है वो 18% इम्प्रूवमेंट कर दिया ट्रैक्टर के अंदर। डीजल कट करता है इस ट्रैक्टर के अंदर, 5.5 लीटर मैक्सिमम डीजल लेगा ट्रैक्टर में, डीजल कम लेता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंट आता है इस ट्रैक्टर के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम इन इंडस्ट्रीज के अंदर 6 साल की वारंटी मिलती है, उस ट्रैक्टर के अंदर 1 साल की मिलती है। तो इस ट्रैक्टर के अंदर आप देख सकते हो कितना इम्प्रूवमेंट कर दिया ट्रैक्टर के अंदर, और इसमें डीजल खपत कम हो गया। CRPT के साथ ये भी ट्रैक्टर आता है, उसमें 2000 थी, इस ट्रैक्टर के अंदर 2100 मिल जाती है। और टायरों का साइज़ दोनों का समान है, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं आता, ठीक है। और इस ट्रैक्टर के अंदर बस थोड़ा सा लुक बढ़ा दे, लुक में इन्हेंस कर रखा थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। और इसकी जो सीट है वो भी डिलक्स आती है, इस सीट को भी आप किधर भी कर सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे देख सकते हो। 6.5 फीट का बंदा भी इस ट्रैक्टर को आराम से ड्राइव कर सकता है, क्योंकि ट्रैक्टर के अंदर जो मिलता है स्पेस, वो लैग स्पेस इतना ज़्यादा भर के दिया कि 6.5 फुट से भी ऊपर का आदमी इसे बेहतरीन तरीके से ट्रैक्टर चला सकता है। डुअल क्लिच ट्रैक्टर में ये भी आता है और डुअल क्लिच ट्रैक्टर में वो भी होता है, ठीक है। और ज़्यादा अंतर कोई ट्रैक्टर में नहीं है, बस लुक का, वारंटी का और पावर पिकअप का, प्लस इस ट्रैक्टर की ड्यूरेबिलिटी और इसे लुकिंग में जो थोड़ा इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि इसमें ब्लैक क्लैडिंग में महिंद्रा 585 DI XP+ लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा और इम्प्रूवमेंट देता है इस ट्रैक्टर को। तो इस चीज़ में आप देख सकते हो इसमें क्लियर कट जो ट्रैक्टर थोड़ा सा सुंदर लगता है। इंजन की CC दोनों ट्रैक्टर की सेम है, पावर दोनों की 50 HP में आते हैं, मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया पहले वाली में, ठीक है ना। और इस ट्रैक्टर की 50 HP है, लेकिन इसका टॉर्क बढ़ा हुआ है उस ट्रैक्टर के मुकाबले, 18% टॉर्क ज़्यादा बढ़ा हुआ है उस ट्रैक्टर के मुकाबले, जिसमें इसकी खिंचाई अच्छी होती है, लेकिन डीजल खपत कम कर दिया उस ट्रैक्टर की डीजल खपत के मुकाबले। ये 0.5 लीटर कम डीजल लेता है पर घंटे के हिसाब से, जो कि इस ट्रैक्टर की एक ड्यूरेबिलिटी और प्लस इस चीज़ को बताता है कि महिंद्रा ने अपने ट्रैक्टर पर कुछ ना कुछ वर्क करके तभी इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रैक्टर को लॉन्च किया है। तो आपको ट्रैक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में जो बताना, और हाँ किस ट्रैक्टर के साथ आप जाना चाहोगे ये बताना, लेकिन मैं आपको प्राइस नहीं बता सकता, इसी वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, क्योंकि एजेंसी कोई भी हो सब कोई पैसे बताने को मना कर देती है, जो इतने पैसे ना बताए वीडियो में तो इतने वीडियो अधूरी से लगती है। तो इसलिए मैं अपने चैनल पर पुरानी कार कहाँ अच्छी मिलती है उस चीज़ की वीडियो, और नई कार का मतलब उसके वीडियो की रिव्यू, न्यू कारों का जो होती है, और न्यू बाइक का रिव्यू, और न्यू पुरानी बाइक कहाँ अच्छी मिलती है उसकी वीडियो डालनी चालू कर दूँगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको वीडियो ऐसी देखना चाहते हो और वीडियो आप मेरे साथ आप सपोर्ट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, तो ही मैं वीडियो डालूँगा। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, ना लगे तो भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर अभी कर दीजिए प्लीज़। और क्या हुआ तो उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।